रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साक्षी एक बहुत ही हॉट और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे कट्टू गिलहरी रूप में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसके लिए वो हर महीने स्पा और डेली मॉर्निंग वॉक पर जाया करती थी। इस वजह से लड़के उसके आगे पीछे घूमा करते थे और वो लड़कों को इस तरह ट्रीट करती जैसे कि वो उसकी पेट हो। किसी भी लड़के को एक आंख मारती वो लड़का तुरंत ही उसका काम करने के लिए हाजिर हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन वो मॉर्निंग वॉक पर गई थी, थक कर एक बेंच पर बैठ गई और ऐसे बिहेव करती जैसे कि उसके कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। तभी पास खड़ा लड़का उसको ताड़ रहा होता है। साक्षी उसे देख लेती है और अपनी तरफ बुलाकर कहती है, हाय हैंडसम बॉय, मेरे पास आओ ना। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बुला रही हो? हाँ जान, तुम्हें ही बुला रही हूँ। जी बोलिए। यार मेरे शोल्डर्स में ना बहुत पेन हो रहा है, क्या तुम थोड़ी देर इन्हें दबा दोगे? ओके, कर देता हूँ। वैसे आप यही पास में रहती हो क्या? जी मैं यहीं रहती हूँ। वाव, कितना अच्छा लग रहा है यार, ऐसे ही दबाते रहो। वो लड़का उसके कंधों को मसाज दे ही रहा होता है कि साक्षी के फोन में 9 बजे का अलार्म बजता है और वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और शॉर्ट ड्रेस में रेडी होकर अपने ऑफिस पहुँच जाती है, जहाँ उसका बॉस कहता है, मिस साक्षी, आपको एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमारे दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर किया जा रहा है। आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस। नो सर, आई एम कम्प्लीटली फाइन। सो कब से जाना होगा मुझे वहाँ? आपको आज ही शिफ्ट होना पड़ेगा। वहाँ आपको मिस्टर कपूर मिलेंगे और आप एज ए सेक्रेटरी उनके अंडर ही काम करेंगी। ओके सर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद साक्षी कार से अपने न्यू ऑफिस पहुँच जाती है और जैसे ही वो कैबिन में जाती है उसका पैर फिसल जाता है और सामने से रवि उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और कहता है, मिस आप ठीक तो है ना? अब तुम्हारी बाहों में ठीक तो होना ही था, अब ऐसे ही देखते रहोगे मुझे या? ओह सॉरी सॉरी, आपको देखने में बिजी था। इट्स ओके होटी, मुझे देखकर अक्सर लोग फिसल जाते हैं। फिलहाल तो आप फिसल गई थी, एंड बाय द वे यू आर सो सेक्सी। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। साक्षी वेटिंग जोन में वेट कर रही होती है कि पास में खड़े 2 एम्प्लॉय उसे कमेंट पास करते हैं तो साक्षी उनको बढ़िया मुंह तोड़ जवाब देती है जिससे उनकी बोलती बंद हो जाती है। इतने में मिस्टर वर्मा रवि को साक्षी की पिक सेंड कर देता है। जब वो उसकी पिक चेक करता है तो चौंक जाता है और फिर प्यून से कहकर उस लड़की को अंदर आने की परमिशन देता है। जब साक्षी उसके पास अंदर जाती है तो चेयर पर बैठा देख उसको हैरान हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Yes, it's me. और तुम नहीं, आप। मैं आपका वही बॉस हूँ जिसके प्रोजेक्ट में आप सेक्रेटरी बनकर आई हैं। ओह, तो मुझे आपके साथ काम करना है, क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है? Myself रवि कपूर। ओके सर, Can I call you Mr. Kapoor? And what's your name? My name is Sakshi Sharma. Oh, तो Sakshi नाम है आपका। S for Sakshi, S for Sharma, S for sexy, S for secretary. लगता है आज से S अल्फाबेट मेरे लिए लकी साबित होने वाला है। शायद आपकी लाइफ सवरने वाली है या बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। Let's see. Okay, तो मैं आपको थोड़ा काम के बारे में बता देता हूँ। इस तरह दोनों काम में बिजी हो जाते हैं। वक्त बीतता है, दोनों एक दूसरे को काम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक दिन रवि उसे कहता है, साक्षी क्या तुम मेरे साथ कल लंच पर चलोगी? और मैं चाहता हूँ कि कल तुम ये ड्रेस पहन कर आओ। बट क्यों मिस्टर कपूर, कोई स्पेशल ओकेशन है क्या? नहीं बस ऐसे ही। ओके मिस्टर कपूर, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन रवि उसका बहुत सुंदर से डेट वेन्यू पर इंतजार करता है, जहाँ सामने से बीच दिखाई देता है। कुछ देर बाद साक्षी जब आती है उसे देखकर रवि के होश उड़ जाते हैं और रवि कहता है, वाओ साक्षी, यू आर लुकिंग वेरी हॉट एंड सेक्सी टुडे। थैंक्स मिस्टर कपूर। कॉल मी रवि। ओके रवि, वैसे आज तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बिना ऑफिस के भी एक दिन साथ में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वहाँ तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। यार राइट मिस्टर कपूर, आई मीन रवि।
ऐसे ही दोनों एक साथ अपने लंच को एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद रवि पास ही एक रिजॉर्ट में उसे अपने रूम में ले जाता है, जहां दोनों रोमांटिक मूड में होते हैं और रवि साक्षी की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके लिप्स पर किस कर देता है। उसके बाद दोनों का खुद पर कोई बस ही नहीं होता और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। वक्त बीतता जाता है, अब दोनों एक दूसरे के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन साक्षी रवि को एक फाइल देने आती है तो उसके हाथ से फाइल गिर जाती है और दोनों ही उस फाइल के पेज को उठाने लगते हैं। इट्स ओके रवि, आई विल मैनेज। कोई नहीं, मैं भी कर देता हूँ। रवि पेज उठाने के बहाने साक्षी के नेक को प्यार से पकड़कर अपनी ओर लाता है और फिर उसे किस कर लेता है। साक्षी भी उसके साथ बिजी हो जाती है और दोनों कैबिन में ही रोमांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस से निकलते हैं तो रास्ते में उसे उसका एक्सपीएफ रॉकी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अरे कहाँ चली गई थी तुम, कब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, अब तुम मिल गई हो तो चलो हम शादी करेंगे। ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना रॉकी और ना ही तुमसे कोई शादी करनी है। साक्षी अगर तुम प्यार से नहीं मानी तो देख ले, मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है, चुपचाप चल मेरे साथ। बोला ना एक बार नहीं जाना। ए, तुझे समझ नहीं आता, जब लड़की मना कर रही है तो जाता क्यों नहीं है, छोड़ उसका हाथ। नहीं छोड़ूंगा, बोल क्या करेगा, वैसे भी ये मुझसे प्यार करती है और तू बीच में मिस कॉल देने वाला कौन। मिस कॉल तो तू दे रहा है हम दोनों के बीच में, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। क्यों, तुझे भी फंसा लिया क्या इसने पैसों के चक्कर में। क्या मतलब है तुम्हारा। मतलब ये कि इसने पैसों के चक्कर में मुझसे प्यार किया और फिर भाग गई, लेकिन मैंने इसे माफ किया, मैं इससे पैसे नहीं अपना प्यार मांग रहा हूँ। तुझे बोला ना वो मुझसे प्यार करती है। साक्षी तुम ही बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या इससे। रॉकी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और ये तुम कौन से पैसों की बातें कर रहे हो, मैं रवि से प्यार करती हूँ और वो मुझसे, समझे तुम। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूंगा। रॉकी अपनी पॉकेट से चाकू निकालकर साक्षी को मारने वाला ही होता है कि बीच में रवि आ जाता है और उसके हाथ पर कट लग जाता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। इतने में पुलिस आ जाती है और रॉकी को पकड़ कर ले जाती है। तभी रॉकी बोलता है, ये पुलिस को किसने बुलाया यहाँ। मैंने बुलाया है पुलिस को, मुझे पता था कि तुम फिर से ऐसी कोई हरकत करोगे, इसीलिए मैंने पहले ही उन्हें कॉल कर दिया था। इंस्पेक्टर साहब अब आपने सब कुछ खुद अपनी आंखों से देख लिया है तो ले जाइए इसे यहाँ से। हाँ इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। रवि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें रॉकी के बारे में कुछ नहीं बताया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ साक्षी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू टू। अरे तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। कोई नहीं साक्षी, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ सह सकता हूँ, ये तो एक मामले सा कट है। इतना कहने के बाद दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और साक्षी उसकी मरहम पट्टी करवाती है। कुछ दिनों बाद दोनों लीगली कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।